हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, चैप्टर 4 यहाँ पर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड से आपका शुरू किया था। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं, जिनमें 2 4 का आपको वितरण देखने को मिलता है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, या तो वो 4 दान करेगा या 4 ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो 4 दान करने में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और 4 को ग्रहण करने में क्या होगा, आपका जो नाभिक है, नाभिक में धनावेश आपका 6 ही रहेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो वो 10 हो जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपका निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिले, या आप बोल सकते हैं कि धनावेश या प्रोटॉन मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को और इतने ज्यादा निगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब ना कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दान कर पा रहा है ना ही ग्रहण कर पा रहा है, तो वो अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कैसे करेगा, तो वो करता है साझेदारी, ठीक है ना। साझेदारी करने के कारण जो बंध बनते हैं उनको ही कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध कहा जाता है, ठीक है ना। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमने 3 टाइप के पढ़े, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाता है जहां पर 2 एटम्स के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होगा, या एक ही आपका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी साझेदारी हो रही होगी, ठीक है ना। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को कहा जाता है जहां पर 2 पेयर की साझेदारी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर 2 एटम्स के बीच में आपको 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होते हुए दिखती है, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन में आपको दिखता है। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने अलग अलग मॉलिक्यूल के देखे थे। हाइड्रोजन के लिए हमने देखा, यहाँ पर CH4 के लिए देखा, CO2 के लिए हम लोगों ने देखा, देन H2S, ये H2O का हो गया जल का। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस के कारण ही कंडक्टिविटी बनी हुई है किसी भी, अगर आप सब्सटेंस की कहें, अगर वही नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयन है, अगर वो नहीं है तो आपका जो भी सब्सटेंस है या जो भी आपका मैटर है वो कैसा है, वो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उसकी लो हो जाएगी। तो वही कहा जा रहा है, जब वही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयन नहीं है, उसकी अब्सेंस है, तो उसकी अब्सेंस के कारण ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको बताए गए हैं, जैसे एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 391, क्लोरोफॉर्म CHCl3 केल्विन में है ये, 209 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 334, इथेनॉल 156 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट और 351 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, मीथेन है आपका 90 मेल्टिंग पॉइंट और 111 बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप बेसिकली है कि कार्बन ही रहेगा लेकिन वो किस रूप में पाया जा रहा है, ठीक है, वही उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपी द फिनोमेन इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विच विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉपी, ठीक है ना। क्या कहा गया, द फिनोमेन इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट, जहां पर तत्व आपका एग्जिस्ट करता है, इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दो और दो से अधिक फिजिकल स्टेट में आपका एग्जिस्ट करेगा विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, इसी को क्या कहा जाता है, अपर रूपता कहा जाता है। तो जो मुख्य अपर रूप है कार्बन के वो है ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ठीक है,
क्या कहा मैंने? ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरिन। कार्बन है थ्री मेन एलोट्रॉप्स, तीन मेन एलोट्रॉप्स हैं। पहला डायमंड यहाँ पर लिखा गया है। इन दिस कार्बन एन एटम, कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एन इंसुलेटर। इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ओके, देखो प्रश्न में कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि डायमंड के बारे में कुछ बताइए, तो क्या क्या होता है डायमंड में, ठीक है ना? कार्बन का एक एलोट्रॉप है, पहला पॉइंट। दूसरा, कार्बन है क्या? एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर एटम्स, ठीक है ना? कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें एटम होंगे, तो उसका एक एटम जब आप डायमंड को देखते हैं तो वहां पर कार्बन का एक एटम चार और कार्बन एटम के साथ आपका जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना? फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जहां पर आपको एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है। ओके, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या है? एकदम कठोर वाला, कठोरतम पदार्थ है। एंड एन इंसुलेटर, और एक क्या है? इंसुलेटर भी है, यानी कि कैसा है आपका? कंडक्टर नहीं है ना, इंसुलेटर वही है जो कंडक्टर नहीं है, नहीं कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक एंड कटिंग। क्योंकि हार्डेस्ट वन है तो आपका क्या यूज में आएगा? रॉक, कितना हार्ड होता है रॉक, ठीक है ना? तो उसको ड्रिल करने के लिए या कट करने के लिए डायमंड का यूज किया जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज, बहुत कॉमन यूज आपने इसका कौन सा देखा है कि ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना? ग्रेफाइट की बात करें, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में आपका क्या होता है? ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम क्या है? इज बॉन्डेड टू थ्री अदर एटम्स, जो कि तीन अलग एटम्स के साथ आपका जुड़ा हुआ होगा। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। एंड यूज एज अ लुब्रिकेंट, और एक लुब्रिकेंट की तरह यूज में आता है, ठीक है? थर्ड है फुलरिन, बक मिस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना? ये भी आपका एक एलोट्रॉप है, कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम। 60, 70, 80 अलग अलग आपको यहाँ पर दिखते हैं कार्बन एटम, तो 60 भी हो सकते हैं एटम ज्वाइंट टुगेदर, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किस तरह से जुड़े रहते हैं? एक स्फेरिकल शेप, जैसे जैसे कि आपका फुटबॉल होता है वैसी कुछ संरचना बनाते हैं। और ये एक डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर। ओके, हमने यहाँ पर देखा था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के ही साथ या कार्बन के किसी अन्य तत्व के, कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ या फिर किसी और तत्व के परमाणु के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है? जिनको आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा था। अब वो किस वजह से बन रहे हैं? कार्बन की एक बहुत अलग प्रवृत्ति होती है जिसको कि उसका क्या कहा जाता है, वर्सेटाइल नेचर भी कहा जाता है, या सर्वतोमुखी प्रकृति। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इज ड्यू टू, वो किसके कारण है? टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के दो नेचर आपको दिखेंगे यहाँ पर, जिनके कारण उसमें एक ऐसा गुण है कि वो सभी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर यौगिक बना रहा है, ठीक है ना? तो पहला जिसमें से है कैटिनेशन, जिसको श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन कार्बन से ही जुड़ रहा है, किसी और से जुड़ रहा है, श्रृंखला में जुड़ रहा है, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। इसके अलावा टेट्रावेलेंस नेचर, चार उसकी संयोजकता है, तो चार संयोजकता को पूरा करने के लिए या तो वो कार्बन से ही जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, फिर या ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, सल्फर, किसी भी अन्य तत्व से आपका जुड़ रहा है, ठीक है ना? तो इन दो नेचर के कारण ही उसका वर्सेटाइल नेचर है, आप बोल सकते हैं। ये दो चीजें वहां पर आपको देखने को मिल रही है, इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर है, ठीक है? तो व्हाट इज कैटिनेशन, श्रृंखलन जिसे कहा जा रहा है, वो क्या है? सो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज आर कॉल्ड कैटिनेशन। तो श्रृंखलन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ रहा है, किसी और तत्व के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे गुण उसमें देखे जाते हैं,
तो कार्बन का कार्बन के साथ ही जुड़ना आपका क्या है, कैटेनेशन है, और किसके थ्रू जुड़ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर जुड़ रहा है। द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम, एक तो कार्बन का जो परमाणु है उसका छोटा आकार है, देन द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स विद इट सेल्फ एंड विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है टेट्रावेलेंट नेचर। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग और बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर हेट्रो एटम्स विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो चतु संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्बन की वैलेंसी को ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई कर सकता है, हाइड्रोजन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, सल्फर, क्लोरीन और भी कई तत्व कर सकते हैं, और 4 उसकी संयोजकता है तो वो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बना रहा है, क्योंकि एक तो चतुसंयोजी उसकी प्रकृति है और दूसरा क्या है, श्रृंखलन की प्रकृति भी उसमें है। ओके, चलिए हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा था। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिसमें हमने मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन इन सबको देख लिया था, ठीक है ना। तो जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो एलिफेटिक या ओपन चेन वाले हम जिनकी बात करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सैचुरेटेड में आपके एल्केन आते हैं, जिसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, जिनके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 आता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, इन दिस द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स में आपका क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ध्यान रखना है जब भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात होगी, सैचुरेशन की बात होगी, तो कार्बन और कार्बन के बीच बनने वाले बंध को देखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच क्या बंध बन रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच एक ही डैश है, यानी कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट मीन्स कि ये सैचुरेटेड है और ये एल्केन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, जहां पर आपने एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन देखे थे, इथेन C2H6, ठीक है ना, तो ये आपके एल्केन में आते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड में आपके क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन जिनके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n आता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इन दिस द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, जहां पर कि कोई ना कोई श्रृंखला में 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनके बीच में द्विआबंध पाया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका एल्कीन कहा जाता है। वहीं पर अनसेचुरेटेड में जो दूसरी कैटेगरी है वो एल्काइन्स की है, जिनके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 आता है, और आइन इनके लास्ट में आता है। कार्बन और कार्बन के मध्य आपको त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे, तो इसको एल्काइन आपका कहा जाता है। इन दिस द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स त्रिआबंध से आपका जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे ये ब्यूटेन आपका एग्जाम्पल है, CN कार्बन की संख्या 4, H2n+2, यानी 8 और 8 में 2 और जोड़ देंगे 10, तो 10 है या नहीं है, 3, 2, 5, 7 और 3, 10, ठीक है ना। तो C4H10 ब्यूटेन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के लिए CnH2n, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसके ठीक डबल आपके हाइड्रोजन एटम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 है, ठीक है ना, 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, इस तरह CnH2n-2। तो अब आप क्या देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके दुगने में से आप 2 माइनस कर देंगे, उतने हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। जैसे प्रोपाइन है, 3 कार्बन है, 3 के दुगना कितना होगा, 6, ठीक है, तो 6 में से 2 माइनस कर लो, कितने बच गए, 4, तो यहां पर भी आपको 4 हाइड्रोजन आइटम दिख रहे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से देखा, कुछ कुछ नए टॉपिक्स पर बात की है।
इसको आप एक बार आगे पढ़ लेंगे। मैंने आपको क्या पूरी मैंने सीरीज बताई थी आपके सैचुरेटेड में एल्केन की, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन की, ठीक है। और मैंने कहा था उनके मॉलिकुलर फॉर्मूले आप लोग लिखेंगे, साथ ही ये वाले जो स्ट्रक्चर आते हैं ये आप उनके लिए बना लेंगे। आइसोमेरिज्म पर बात करेंगे आने वाले सेशन में, क्या होती है आइसोमेरिज्म, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें भी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।